हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसवाईए एकेडमी। सो वी आर हियर विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द कल्चरल चेंज। वी विल बी डिस्कसिंग हियर अबाउट एमसीक्यूज, वन लाइनर्स, इन सबको डिस्कस करेंगे। आपको अपना स्कोर बढ़ाना है तो ध्यान से बिल्कुल सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जस्ट लाइक सोसाइटी में स्ट्रक्चर होता है, सिमिलरली कल्चर एक चीज होती है। चैप्टर टू है ये। दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन, इवन एंट्रेंस के लिए भी यूजफुल रहेगा। सो लेट्स बिगिन। सो हमें ये भी ध्यान देना है इस चैप्टर के अंदर कि हमें सिर्फ चैप्टर नहीं पढ़ना है, हमें बॉक्सेस पे भी ध्यान देना है। इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट दी बेसिक्स ऑफ द चैप्टर, यू गो टू दी प्रीवियस वीडियो ऑफ द एस वाई ए अकेडमी। यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर ऑन द एस वाई ए अकेडमी, तो उस पर जाइए और ध्यान दीजिए। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चाहते हैं अगर कि और अच्छी वीडियोस और एमसीक्यूज या वन लाइनर्स मिले तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, सो दैट वी कैन मेक अ वेरी गुड वीडियो। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू। सतीश सबरवाल, हु इज द वेरी फेमस सोशियोलॉजिस्ट, एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ चेंज इन द कॉलोनियल इंडिया। सतीश सबरवाल ने कितने टाइप के चेंजेस बताए हैं कॉलोनियल इंडिया में? एक, दो, तीन और चार। आपने अपनी चॉइसेस बना ली होंगी, सो लेट्स मूव टू द आंसर। आंसर इज सतीश सबरवाल एलेबोरेट्स अपॉन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट बाय स्केचिंग थ्री एस्पेक्ट टू द मॉडर्न फ्रेमवर्क ऑफ चेंज इन कॉलोनियल इंडिया। तीन तरीके के चेंजेस हैं, थ्रू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हुआ, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाउ ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स चेंज हुई, एंड नेचर ऑफ आइडियाज, हाउ आइडियाज चेंज एंड ब्रॉट अबाउट द कल्चरल चेंज। दिस आंसर यू कैन इलेबोरेट, यू कैन रिमेंबर फॉर 1, 2 और 4 मार्क्स ऑल्सो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल चेंज एस्पेक्ट। नाउ वट इज डिफाइंड एज द चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एज रिजल्ट ऑफ ओवर 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। The term subsuming changes occurring at different levels, that is technology, institution, ideology, and value. Is it Sanskritization, which is a very important concept, Westernization, modernization, or secularization? All these four definitions should be clear to you so that कोई भी question आप आए तो आप उसे solve कर सकें. So moving towards the answer, answer is B, Westernization. So, as you can see, M.H. Niwas has defined the given this definition. You have to remember this definition and इसके different different examples भी कि किस तरीके से British culture ने हमारी society में change लाया, उसे westernization कहा गया था। Moving towards next question. Now this is a tough question. जिसने lecture को ध्यान से देखा होगा या book को ढंग से पढ़ा होगा about this chapter, they'll be able to answer this. Who proposed a resolution against the evils of पॉलीगैमी इन द ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस, इनमें से किसने पॉलीगैमी के अगेंस्ट उसके इविल्स के बारे में बोला था? बेगम रोकिया, शखावत हुसैन, जहानारा शाहनवाज, श्री सैयद अहमद खान जो कि काफी फेमस वोकलिस्ट रहे हैं इस्लाम में, और पंडिता रामा बाई। सो मूविंग टूवर्ड्स द आंसर, आपने अपने आंसर अब तक लगा दिए होंगे सोच के। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बट अगेन हम आपको सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करना चाहते हैं। सो योर आंसर इज बी, अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द इविल्स ऑफ पॉलीगैमी वाज प्रपोज्ड बाय जहानारा शाहनवाज एट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एवरीबडी शुड बी एबल टू आंसर दिस इवन विदाउट रीडिंग, सबको पता होना चाहिए। Who opened the first school for women in Pune? Is it A. Jyotiba Phule, B. Mahatma Gandhi, C. Ishwar Chandra Vidyasagar या D. Eknath? आप यहाँ इसे hit and trial method से भी निकाल सकते हैं, बहुत ही simple question है, तो ज्यादा time लिए बगैर we should be moving towards the answer. आपको एक चीज बहुत ध्यान देनी है, अगर confusion हो रही है कहीं पे भी तो video को pause कीजिए, बार बार rewind कीजिए, then अपना time लीजिए, क्योंकि आप exam की तैयारी कर रहे हैं। तो यू शुड बी वेरी वेल अवेयर कि एग्जाम की तैयारी में एसवाईए एकेडमी आपके साथ है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द आंसर, इट इज ए ज्योतिबा फुले, हु वाज अ सोशल रिफॉर्मर अलोंग विद हिज वाइफ सावित्री फुले।
नाउ व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस वाज फाउंड, कब हुई थी ये कॉन्फ्रेंस? इसके बारे में अभी हमने पढ़ा भी है कि इसके बारे में पॉलीगैमी और सोशल इवेंट्स इन इस्लाम के बारे में बात हुई थी। इज इट ए 1947 जब हम आजाद हुए थे, बी 1868, सी 1914 इस टाइम पर अराउंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हुआ था, और डी 1950। सो आंसर इज 1914, ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस दैट इज अंजुमन ए ख्वातन ए इस्लाम वॉज फाउंडेड इन 1914। इसके अंदर पॉलीगैमी के अगेंस्ट आवाज उठाई गई थी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, नाउ दीज आर वन मार्कर्स, हमने एमसीक्यूज कर लिए हैं, अब हम वन मार्कर की तरफ ध्यान देंगे। वी शुड प्रिपेयर दीज टॉपिक्स, ऐसा करें कि वन मार्कर में पूछे एमसीक्यू में पूछे, वी शुड बी रेडी विद आवर आंसर्स, हमें घबराना नहीं है, बार बार रिवाइज करना है, बार बार वीडियोज देखना है, वी विल बी एबल टू सक्सीड। ओके सो मूविंग टुवर्ड वन मार्कर्स, Whose writing dash you have to name the author and title the text of the Hindu law on the lawfulness of the remarriage of the widows and Vedic authorities for widow remarriage, elaborate the Shastric sanction for remarriage of widow। किसकी राइटिंग ने बताया कि रीमैरिज ऑफ विडो हो सकती है? इज अ वेरी फेमस सोशल रिफॉर्मर, वेरी फेमस राइटर। वन इम्पॉर्टेंट थिंग और सजेशन फ्रॉम आर साइड इज दैट यू शुड ट्राई टू रीड एंड रिमेंबर द राइटर, वट ही हैज रिटन एंड इन विच लैंग्वेज ही हैज रिटन। सो लेट्स सी द आंसर, आंसर इज महादेव गोविंद रानाडे जिन्होंने ये टॉपिक से ये बुक्स लिखी थी। आपको अगेन देखना है कि जैसे बॉक्स है इसके अंदर राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया, सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, वीर सलिंगम ने द सोर्सेज ऑफ नॉलेज लिखी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वीर सलिंगम इज नॉट दैट मच फेमस लाइक राजा राम मोहन रॉय। तो यू कैन गेट आंसर फॉर क्वेश्चन ऑन द लाइफ ऑफ वीर सलिंगम ऑल्सो। सो बी रेडी फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ वन मार्कर्स इन एमसीक्यूज। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा कर रहे हैं, काफी घबराने की जरूरत नहीं है, रिवाइज कीजिए। डैश पब्लिश अ मराठी ट्रांसलेशन ऑफ विद्यासागर बुक इन इंदु प्रकाश इन 1968। अगेन विद्यासागर की एक बुक थी इंदु प्रकाश, जिसको ट्रांसलेट किया मराठी में, किसने किया आपको बताना है। तो आपको ये भी याद रखना है कि विद्यासागर की बुक थी इंदु प्रकाश और उसे मराठी में किसने ट्रांसलेट किया। जी हाँ आप बिल्कुल सही हैं, आंसर विष्णु शास्त्री। विष्णु शास्त्री पब्लिश अ मराठी ट्रांसलेशन ऑफ विद्यासागर बुक इन इंदु प्रकाश इन 1868। नाउ मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वन मार्कर, दिस वन मार्कर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन मार्कर, टू मार्कर, फोर मार्कर, वट एवर यू से ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज द होल सोल ऑफ दिस चैप्टर। डैश इज अ प्रोसेस बाय विच अ लो और मिडिल क्लास हिंदू कास्ट और ट्राइबल और अदर ग्रुप चेंजेस इट्स कस्टम्स, रिचुअल आइडियोलॉजी एंड वे ऑफ लाइफ इन डायरेक्शन ऑफ हाई एंड सेकेंडरी टॉइस बॉर्न कास्ट। ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल चेंज है, कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक हिंट दे दूंगा, एम एस श्रीनिवास ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। अगेन इससे सिमिलर जो वन मार्कर आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक आ सकता है, वो भी हमने साथ में दिया। प्रोसेस ऑफ डैश एनकरेज इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, दीज टू कैन कम एज अ क्वेश्चन ऑल्सो, जिसको आप लिख सकते हैं। ये आपकी बुक से ही लिए गए हैं एंड हमने वीडियोज में भी एक्सप्लेन किया, जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था। यस ऑल ऑफ यू आर राइट, आंसर इज संस्कृताइजेशन, विच वॉज टर्म कॉर्न बाई एम एन श्रीनिवास इन हिज फील्ड स्टडीज। दिस इज द होल सोल एंड कोर ऑफ दिस चैप्टर। आपको संस्कृताइजेशन याद करना है, वेस्टर्नाइजेशन याद करना है, सेकुलराइजेशन याद करना है, ये कॉन्सेप्ट आपकी फिंगर टिप्स पे रहने चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ अगेन हमने ट्रू फॉल्स का कॉन्सेप्ट भी दिया है वन मार्कर के लिए। सो क्वेश्चन इज, सती प्रथा वॉज सपोर्टेड बाय ब्रह्मो समाज। तो आपको ये पता होना चाहिए ब्रह्मो समाज स्टार्ट किसने किया था, क्या ब्रह्मो समाज सती प्रथा को सपोर्ट करता था या अपोज करता था। हम यहाँ पे आंसर देख रहे हैं एंड आंसर इज फॉल्स, सती वॉज अपोज बाय द ब्रह्मो समाज। तो आपको याद रखना है कि आर्य समाज किसने स्टार्ट किया, ब्रह्मो समाज किसने स्टार्ट किया, राजा राम मोहन रॉय का क्या रोल था, दयानंद सरस्वती का क्या रोल था। दीज आर द इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर्स हु ब्रॉट अबाउट द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी। वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, इन मॉडर्न वेस्ट डैश मीन्स डिक्लाइन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। क्या चीज से पता चलता है कि ये रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है? वट इज दैट स्पेशल टर्म? आज के डेट में मैं आपको हिंट देता हूँ, In last 5-10 years, you have heard this term multiple times. काफी बार ये वर्ड को सुना होगा आपने, ये प्रीएम्बल में भी ये वर्ड यूज हुआ है कहीं ना कहीं, अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ था।
जी हाँ, ये टर्म काफी फेमस है, टर्म इज सेकुलराइजेशन। इन मॉडर्न वेस्ट सेकुलराइजेशन हैज यूजुअली मेंट अ प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन। और आपको ये भी पता होना चाहिए इंडियन सेकुलराइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेकुलरिज्म। ठीक है, नाउ संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन, ऑल इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता है, आप जान गए अच्छे तरीके से। नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज डीसंस्कृताइजेशन? ये वन मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, आप काफी अच्छा अपना आंसर लिख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। आंसर शुड नॉट बी मोर देन टू और थ्री लाइंस, यू कैन गिव एग्जांपल आल्सो, इट कैन कम एज एमसीक्यू आल्सो। तो ध्यान दीजिए, हमेशा संस्कृताइजेशन ही नहीं, डीसंस्कृताइजेशन भी कोई टर्म है। नाउ फाइनल क्वेश्चन विच इज अ फोर मार्कर, जिसके लिए अगेन आपको आंसर लिखना है, व्हाई संस्कृताइजेशन इज क्रिटिक्ड एट डिफरेंट लेवल। संस्कृताइजेशन को डिफरेंट लेवल पे क्यों क्रिटिक किया जाता है? रिक्वेस्ट आपसे ये है कि पॉइंट वाइज आंसर दीजिए, इस चैप्टर का होल सोल कोल जो है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, बॉक्सेस के ऊपर ध्यान दीजिए। एस वाई एकेडमी को बार बार सब्सक्राइब कीजिए तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे।